मैंने भी आपको बताया था कि लॉ में जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं ये सारी हैं, RJS, APO, JLO और अदर सर्विसेज भी, इसके अलावा भी हैं। जैसे हम RJS की बात कर लें तो प्री मेन इंटरव्यू थ्री स्टेप एग्ज़ाम होता है, थ्री स्टेप एग्ज़ाम होता है। हम वैकेंसीज की बात कर रहे थे कि जनरली एक चीज़ और समझने की है, राजस्थान में राजस्थान जुडिशल सर्विस रूल्स बने हुए हैं, हर साल वैकेंसी आती है। कोरोना के बाद इकट्ठी वैकेंसी 222 आई है। वो इसलिए आई है 222 क्योंकि क्योंकि कोरोना में नहीं हो पाया था एग्ज़ाम। उसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ उसमें 120 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, और पिछले ही साल 4 अप्रैल को उन्हें ज्वाइनिंग दी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने ज्वाइन किया और अब पोस्टिंग हो गई। विद इन ईयर फिर वैकेंसी आ गई। इसका मतलब है हर साल वैकेंसी आती है, राजस्थान जुडिशल सर्विस रूल्स में फिक्स किया हुआ है। एक बार जब उसके बाद जब ये रूल्स बने उसके बाद बहुत कम पोस्ट थी, केवल 37 पोस्ट थी, 37 पोस्ट का भी एग्ज़ाम हुआ। तो राजस्थान में ये व्यवस्था है कि हर साल आती है, कोरोना की वजह से पेंडेंस रही। स्टूडेंट कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, ऐसा नहीं है, यहाँ कैलेंडर फिक्स है, उस कैलेंडर के अनुसार ही हर साल पोस्ट डिटरमाइन होती हैं, उसके बाद पोस्टों निकलती हैं और उसका प्री मेन और इंटरव्यू होता है। हाँ, स्टूडेंट जो भी हैं उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत पहले से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जिस साल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल उन्हें वैकेंसी आने के बाद तैयारी का समय नहीं मिलता है। इस साल जब वैकेंसी अप्रैल के महीने में आई तो उसी के साथ 10 अप्रैल को जब वैकेंसी आई तो 10 अप्रैल को ही उसकी डेट भी दे दी कि 16 जून को एग्ज़ाम हो रहा है। वो तो एक संयोग ये हो गया कि 16 जून को ही सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, 16 जून को ही RJS का, तो उन्होंने एक वीक एक्सटेंशन कर दिया और अब वो एग्ज़ाम हो रहा है 23 जून को, तो समय नहीं मिलता है। सही 2 महीने मिले जिसमें फॉर्म भी भरना है, आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। जिन लोगों ने पहले से ही प्रिपरेशन की हुई है, फाउंडेशन से ही लगे हुए हैं, वही सेलेक्ट हो पाते हैं। बाकी तो फॉर्म के बाद जो तैयारी करते हैं वो तो हो सकता है उन्हें प्री देने का मौका मिल जाए, मेंस देने का मौका मिल जाए, तो उनकी संभावना बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पहले ही ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आप लोग आए हैं पहले से ही ज्वाइन किया है, तो ये सब चीज़ें पहले से ही करनी चाहिए। अब बात आती है कब करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा है, LLB 3 ईयर के स्टूडेंट को तो फर्स्ट ईयर से ही करनी चाहिए, LLB 3 ईयर के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी वो लॉ की क्लासेस लेते हैं वहाँ लॉ की क्लासेस होती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम होता है, वो अप्रोच कोचिंग की ही होती है, कॉलेज की वो अप्रोच है नहीं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मान लो LLB 3 ईयर करके आया है कोई स्टूडेंट और अब वो चाहता है कि जुडिशरी में जाए, तो जुडिशरी में जाने के लिए अभी उसे बहुत मेहनत करेगा तो 2-2.5 साल का समय लगेगा। तो बेहतर क्या है कि यदि वो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहा है तो बड़े आराम से पढ़े, 2-2.5 साल की तैयारी बहुत होती है और वो उस कंपटीशन में आएगा। क्योंकि स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि ये मेरिट का एग्ज़ाम है, मैं ऊपर के टॉप लेवल के लोगों को तो सेलेक्ट करते हैं, बाकी अपने घर जाओ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 100 सीटें निकली हैं तो 100 सीटों का 15 गुना पास करेंगे, तो एक तरह से 1500 स्टूडेंट हुए।
कितने 1500 स्टूडेंट हुए। अभी निकली हैं 222 इंटू 1500, कितने पास होंगे मेंस के लिए? पंद्रह दूनी 30 और 15 दूनी 30 और हैं 30। कितना कितना आ रहा है? 33। नहीं वो गलत है, 30 0। नहीं, गलत है। मैं एक मेरे को ही करना पड़ेगा, मैं सोच रहा आपने कर दिया होगा। कितना? हाँ तो 3330। हाँ ये ठीक है। ये इतनी सीट्स, लेकिन करीब करीब 300 और प्लस कर लो इस पे, 300 और पास हो जाएंगे। 300 कैसे? कि अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे मान लो एससी की कैटेगरी है तो एससी बॉयज की जो कट ऑफ जाएगी, तो मान लो उस एससी बॉयज की कट ऑफ पर 10 स्टूडेंट एक ही नंबर वाले हैं। जैसे कट ऑफ गई 52, तो 52 पर 10 स्टूडेंट और हो गए, एक ही नहीं होगा 52 वाला, 10 हो गए, तो 10 के 10 पास हो जाएंगे। ऐसे ही एससी गर्ल्स की, तो इस पे मान लो इनकी गई 47, तो 47 पर जितनी गर्ल्स होंगी वो सब पास हो जाएंगे। ऐसे ही ओबीसी, ऐसे तो सारी कैटेगरीज हैं, तो सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट ऐसे पास होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 300 ऐसे स्टूडेंट और हैं जो लास्ट नंबर्स के पास हो जाते हैं। तो टोटल करीब करीब कितना हो गया? 3630, 3600 के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। अब करीब करीब बैठने वाले स्टूडेंट हैं 50,000। तो ये 50,000 जो स्टूडेंट बैठेंगे, इन 50,000 में से ऊपर के एक नंबर से लेकर 3630 नंबर तक के स्टूडेंट तो पास, उसके बाद भी तो 50,000 तक नंबर रहेगा नीचे तक, ये तो पास हो जाएंगे। बाकी जैसे 31वां नंबर से लेके और लास्ट तक जितना बैठता होगा वो सारे के सारे फेल। तो एक तरह से इनकी पहले से लेके यहाँ तक की मेरिट बन जाएगी, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो मेरिट का एग्जाम है, नहीं ऐसे प्रायोरिटी नहीं है, उनकी सीट्स के अनुसार प्रायोरिटी है, सीट्स के अनुसार प्रायोरिटी है। लेकिन जो जनरल बॉयज हैं उनके लिए ये एग्जाम टफ, रियली बहुत टफ। क्यों है टफ? कि किसी भी कैटेगरी की, जैसे 222 हैं, तो इसमें जो जनरल बॉयज की सीट्स हैं उन जनरल बॉयज की सीट्स पर कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। कई लड़कियां चली गई, जैसे मान लो 10 लड़कियां और उसमें पास होकर चली गई, तो बॉयज की संख्या कम हो गई। आजकल स्टूडेंट सभी कैटेगरी में एक से एक अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं। पिछले बार भी एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जो एसटी कैटेगरी में आ रहे थे, लेकिन जंप उन्होंने जनरल में किया, तो वो एसटी में काउंट नहीं होंगे, जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल की सीट्स और कम होती चली जाएंगी। सब में ये प्रोसीजर सब में है। तो अभी देखिए क्या होगा, जैसे 3630 लोग पास हुए मेंस देने के लिए, तो एक तरह से छटनी हो गई, सभी की छटनी हो गई ना। जब छटनी हो गई सारों की, तो आरजेएस में इतनी ही सीट्स हैं, तो इसके 3 टाइम्स, मतलब इनमें से 666 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसमें से 3630 जो हमने जो माना है, अनुमानित माना है, ये अनुमानित है,
ये इसमें से पास होंगे। तो जब इसमें से इतने इंटरव्यू के लिए लाए जाएंगे, इंटरव्यू में से ये फिर इसमें पास होंगे फाइनल। तो इनमें जो मेरिट के टॉप पूरे जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, हम मान लेते हैं कि संख्या 50,000 की, तो 2,222 लोग पास होंगे। 222 का मतलब है कि 49,000 और 800 कितना हो गया, 200 ठीक है, इतने इतने ही फेल हो जाएंगे। तो ये जो फेल हो रहे हैं, ये जो फेल हो रहे हैं, इनमें जिनका आगे नंबर आएगा, जो एपीओ में, जेएलओ में या और वैकेंसी में पास होंगे, वो अधिकतर स्टूडेंट इसमें से होने वाले होंगे। अभी जैसे कल चांदनी का शाम को मेरे को फोन किया, सर मेरा जेएलओ का कल रिजल्ट आया ना, मेरा जेएलओ का हो गया। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ। रिंकेश का आया, सर मेरा जेएलओ हो गया। पता है इन्होंने क्या है, चांदनी ने पिछले बार इंटरव्यू दिया था। क्या दिया था? इंटरव्यू दिया था, आज जिसमें नहीं हुआ था उसका, लेकिन इसमें हो गया। अब देखो, वो इस कैटेगरी की लड़की थी, इस कैटेगरी की है, अभी आरजेएस इस बार का भी देगी, तो इस कैटेगरी की है। तो इस कैटेगरी में से आपने 222 तो हटा लिए, बचे कितने? 222 से हटा लिए हैं, 444 बचे। तो 444, अब यहां एपीओ की सीट्स कितनी है? 444 में फिर एपीओ में जंप करने की कोशिश करेंगे अधिकतर स्टूडेंट, क्योंकि ये छट गए ना, छटे हुए स्टूडेंट्स में से जो आ रहे हैं, इसमें से 444 में से निकलेंगे ये। एपीओ की सीट इसी से भरी जाएंगी। जैसे जेएलओ में अधिकतर वही स्टूडेंट हैं जो इधर नहीं हो पाया था, आरजेएस में पिछले बार नहीं हो पाया था। पिछले बार 120 सीट्स थी, तो 120 सीट्स थी, तो उसमें से 360 ने इंटरव्यू दिया। 120 120, तो मजिस्ट्रेट बन गए थे, 40 जब राजस्थली से भी मजिस्ट्रेट बने थे, तो 120 तो मजिस्ट्रेट बन गए। बचे कितने है? हाँ, 240 बचे। अब 240 आप देखोगे उनको निकाल के कि ये अधिकतर स्टूडेंट 240 में से इधर पास आ गए। ऐसा नहीं है कि सारे ये थे, जैसे रिंकेश ने और अनीता ने इंटरव्यू नहीं दिया था आरजेएस का, लेकिन वो जेएलओ में हो गया उनका। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ इसी में से आएंगे, लेकिन इसके अधिकतर स्टूडेंट आते हैं क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी होती है। इसलिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। एक और चीज समझने की कोशिश की, देखो बॉटम में 50,000 में स्टूडेंट बैठा है, उसने तैयारी शुरू की, तैयारी शुरू की, मान लो 1 साल तैयारी शुरू की, अच्छे से तैयारी, तो वो 50,000 में नंबर जो सबसे नीचे है, उससे हो सकता है कि वो 30,000 स्टूडेंट को क्रॉस कर जाए। कितने को? 30,000 को, लेकिन 20,000 अभी भी उससे ऊपर बैठे, तो कई स्टूडेंट्स का प्री नहीं निकल पाता। और थोड़े दिन और अच्छे से की तो पता लगा क्रॉस कर गया वो, करीब करीब 15,000 को, कंटिन्यू अच्छे से मेहनत कर रहा है, लेकिन बाद में बचे 5,000 स्टूडेंट।
तो 5,000 स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन होता है। ये 5,000 स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट ही होते हैं, इनके सभी 5,000 स्टूडेंट्स अच्छे भी हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, उनकी हिंदी भी अच्छी है, उनका स्कूलिंग भी बहुत अच्छी हुई है, और उनमें छटनी होके करीब करीब 1,000 स्टूडेंट ये बेस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इस एग्जाम में आरजेएस, जो तैयारी कर रहे हैं। ये कौन से हैं जो 1,000 वाले हैं? 1,000 मजिस्ट्रेट नहीं बनते, लेकिन 1,000 वाले कौन से हैं कि जहां कहीं क्लास ले रहे हैं तो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं करते कि चलो कुछ महीने ले लो फिर छोड़ देंगे, ऐसे नहीं है स्टूडेंट। इनके पास सारे गुण हैं, गुणों का सिलेक्शन होता है। गुण का मतलब क्या है? क्लास डेली लेंगे, टेस्ट पेपर में कंटिन्यू, जब भी जी टेस्ट पेपर होगा जरूर बैठेंगे, शादी विवाह इस तरह के फंक्शंस में जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी के भी शादी विवाह में जा रहे हैं, अपने घर में है तो जरूर जाइएगा, किसी में भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो नहीं जाते हैं। अपने टीचर्स के साथ ऐसे मधुर संबंध होते हैं, टीचर जब भी कभी कुछ पूछा तत्काल कहेंगे आओ केबिन में बैठ के बताता हूँ, तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनके जो गुण हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और वो स्टूडेंट कितने हैं? मात्र 1,000। और 1,000 में से जयपुर में उनमें से कम 800 बैठे होते हैं। 200 स्टूडेंट हैं बाहर, जो स्टेट से बाहर से आ सकते हैं या जयपुर से बाहर हो सकते हैं। तो जयपुर क्यों बैठे हैं? जयपुर में एक माहौल है, मान लो कोई किसी कोचिंग में भी नहीं जा रहे ना, तो उन स्टूडेंट्स का एक माहौल है जो इसी लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सेलेक्ट होना है। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ उनकी मित्रता होती है जो सिलेक्शन वाले हैं। अभी किसी ने वीडियो डाला, चार दोस्त चारों आईएएस बन गए पहली बार में। तो जिस लेवल के स्टूडेंट हैं, जिस लेवल की आपकी मित्रता है, उस लेवल की ही आप बन जाएंगे। हल्के स्टूडेंट्स के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, जो टाइम वेस्ट करने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पिक्चर थोड़ा सा आपको समझ में आई क्यों हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने योग्य है, अक्षता। अक्षता स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? इनकी जयश्री पेडीवाल से हुई है। तो जयश्री पेडीवाल जयपुर के एक अच्छे स्कूल्स में से माना जाता है ना, तो ये जयश्री से पढ़ के आए हैं। और अभी आप कॉलेज कहाँ से कर रहे हैं? ये कॉलेज मणिपाल से कर रही हैं। मैं एक आपको सच्ची पिक्चर रखने की कोशिश करूंगा जो आपको लगेगी कि हाँ ठीक है। ठीक, आपके 10th 12th में लगभग स्कोर क्या किया है आपने? 12th में इन्होंने 89% स्कोर किया था और 10th में 80% किया। मणिपाल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपका स्कोर? करीब करीब 90% चल रहे, वो 85 के आसपास। कोई बात नहीं, हम 80 मान लेते हैं, 80% के स्कोर चल रहे हैं। इंग्लिश कैसी है आपकी? इंग्लिश अच्छी है। हिंदी कैसी है? हिंदी पुअर है। गौरव साहब कहाँ से?
इसने स्कूलिंग सेंट एंसलम से की है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सेंट एंसलम से स्कूलिंग की है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये लॉ कर रहा है। आपके स्कोर करीब करीब क्या है? आपका 10th 12th का स्कोर जैसे हम देखें। टेंथ में क्या था? 97% स्कोर किया, वेरी नाइस। और 12th में 96% स्कोर किया इसने, वेरी नाइस। और बेटा इंग्लिश कैसी है? मतलब हम इंग्लिश मीडियम से शुरू पर से पढ़ रहे हैं, आप भी इंग्लिश मीडियम से शुरू से हैं, तो हम इंग्लिश को ठीक का सही अच्छी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ अच्छी है, अच्छी इंग्लिश अच्छी है, मैं अच्छी ही लिख रहा हूँ। गुड। मैं बस एक जनरल वो रख रहा हूँ आपके सामने। आपने स्कूलिंग कहाँ से की? सोनी एकेडमी से की है। ये सोनी एकेडमी भरतपुर में हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम? आपने किस में किया? इन्होंने हिंदी मीडियम में किया। हिंदी कैसी है? अच्छी है, गुड। इंग्लिश कैसी है? ठीक है, मतलब पुअर या ठीक? इंग्लिश इनकी पुअर है, ठीक है। आपकी परसेंटेज करीब करीब 86 और 82 12th में, ठीक है। आपका क्या? आपने गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से किया? गवर्नमेंट स्कूल, तो मीडियम क्या रहा? हिंदी। इंग्लिश कैसी है? इंग्लिश पुअर है। और परसेंटेज आपकी स्कूलिंग की 10th में 55% है, 65, 65%। अब देखो इसमें जैसे अभी दो तीन स्टूडेंट जैसे खास तौर से ये स्टूडेंट करीब करीब एक ही टक्कर के कह सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित की स्थिति थोड़ी कमजोर है इस एग्जाम में। मान लो इनको सबको 100 किलोमीटर चलना है, कितने यहां एग्जाम मतलब टारगेट है, तो जब एक ये स्थिति के हैं तो इन सबके लिए यहाँ हम मान लेते हैं कि ये 100 किलोमीटर है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और तीन एक ही कैटेगरी के हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि एक तरह से हम 1,000 स्टूडेंट माने तो करीब करीब 700 स्टूडेंट एक ही कैटेगरी के मान ले। वैसे होंगे नहीं, ऐसा होता नहीं है, 700 एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है, और 300 की कैटेगरी में मतलब 50 किलोमीटर पीछे हैं वो। पता, मोहित को चलना पड़ेगा यहां से 150 किलोमीटर, यहां से 100 किलोमीटर आपका सौरभ, क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं, और अक्षता, अक्षता को हम मान लेते हैं 90 किलोमीटर, और गौरांश को हम मान लेते हैं 80 किलोमीटर। तो गौरांश, और अब हम चार पे ही कर रहे हैं, एक बार एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर एक ही पढ़ा रहा है, आप सारा बराबर ताकत लगा रहे हैं और एक ही लगभग मान लेते हैं, चलो एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, सब बराबर ताकत लगा रहे हैं, सब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किलोमीटरों में तो अंतर है ना। किलोमीटर्स में अंतर क्यों है? हमारी स्कूलिंग ये सब मायने रखती है, और इसके साथ में फिर आपके गुणों का अंतर, ये सब भी मायने रखता है।
इसको तो कोई लेना देना नहीं, टारगेट तो आपका एक ही रहेगा ना, ये तो दौड़ है। जब हम टेस्ट लेते हैं तो कई स्टूडेंट, या हम तो 150 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, बहुत पीछे होते हैं, हम उनको स्पष्ट करते हैं, हम टेस्ट पेपर लेते हैं, टेस्ट पेपर लेते हैं इस बात का कि हर स्टूडेंट का एक टेस्ट पेपर लेके हमने प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक सॉफ्टवेयर बनवाया। जैसे एक महीने आप पढ़ते हैं, हमारे यहाँ के डेली टेस्ट पेपर्स को देते हैं, तो उन डेली टेस्ट पेपर्स के आधार पर ये पता लग जाएगा कि ये स्टूडेंट कितने दिन बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस कंपटीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष तो अलग ही टाइप की है, उसमें कोई मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन इस चीज में ये क्या है, आंकड़ों के आधार पर आपने जो एग्जाम दिया, उस एग्जाम देने के आधार पर और आपके एफर्ट्स के आधार पर एक कैलकुलेशन निकालती है कि करीब इस स्पीड से स्टूडेंट चल रहा है तो इतने इस टारगेट को ऐसे अचीव कर लेगा। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके आंकड़े भी होते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी और किसके आधार पर ये, तो उससे हमें कॉम्पिटिशन भी पता चल जाता है कि करीब करीब कॉम्पिटिशन इतना रहा। जैसे अभी आपने, अभी एग्जाम जो हो रहा है, उस एग्जाम के लिए राजस्थली के जो वेबसाइट है उस पर ऑल इंडिया टेस्ट बिल्कुल फ्री डाला हुआ है, हर रोज 100 क्वेश्चन डाले जाते हैं। कितने क्वेश्चन? अब वो क्वेश्चन इस तरह से जो यहाँ क्लास में बैठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उनके हिसाब से बनाए हुए कि सुबह 7 से 8 एक क्लास चलती है माइनर एक्ट की, फिर 8 बजे से 9:30 तक, 9:20 तक एक क्लास चलती है, फिर 10 मिनट का ब्रेक होता है, 9:30 बजे से फिर मेरी क्लास होती है जो लॉ की क्लास होती है, पूरी 4 घंटे की होती है, 9:30 बजे शुरू होती है तो 1:30 बजे तक वो चलती है, 1:30 बजे फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हिंदी की क्लास चलती है, और जो कुछ भी आज हमने इतने सारे टीचर्स ने पढ़ाया वो शाम को 100 क्वेश्चन के तौर पर आता है, उसमें 70 क्वेश्चन लॉ के होते हैं, जो कुछ भी हमने पढ़ाए उसी में से होंगे, और 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, उसके बाद फिर उस स्टूडेंट की मेरिट, तो मेरिट का मेल हमारे पास आ जाता है कि आज जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया वो किस रैंक पर होल्ड कर रहे हैं, और राजस्थली में पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने होल्ड कर रहे हैं, जो राजस्थली में नहीं पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, कौन टॉप कर रहा है, ये सब हमारे पास आंकड़े होते हैं, और ऐसा पेपर हर रोज हो रहा है। उससे क्या पता चलता है कि कौन सेलेक्ट हो रहा है कौन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इन आंकड़ों के आधार पर ही हमारा जो प्रोबेबिलिटी का सॉफ्टवेयर है वहां से कैच करता चला जाता है, उसके आधार पर जैसे जैसे वैकेंसी, वो एग्जाम नजदीक आएगा, बहुत संख्या में स्टूडेंट, हजारों की संख्या में स्टूडेंट उस पर एग्जाम देंगे, जब हजारों की संख्या में एग्जाम देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो डेटा इकट्ठा हो जाता है स्ट्रेंथ का, कि कौन सेलेक्ट हो रहा है और किस स्ट्रेंथ पर, क्या स्ट्रेंथ पर कट ऑफ जा रही है, उससे फिर हम हमारे जो और स्टूडेंट हैं उनको उसमें डालते हैं आंकड़ों में, फिर हम जैसे ही डालते हैं तो वो बता देता है कि करीब इस व्यक्ति को इस कंपटीशन में इतना टाइम लगेगा, इतने दिन तक पढ़ाई करेगा, इतने घंटे पढ़ाई करेगा, तब जाके ये सेलेक्ट होगा। अब बात आती है कि जो बच्चे मान लो 150 किलोमीटर दूर हैं उस एग्जाम से, या 200 किलोमीटर दूर है, तब तो उनका नंबर आएगा ही नहीं कई साल तक, और क्योंकि ये भी संभव है कि ऐसे स्टूडेंट हर साल आते रहेंगे, उनके लिए तो सीट सी कम पड़ेंगी, वो कब सेलेक्ट होंगे, फिर इंस्टीट्यूशन की उनके लिए कुछ डिफरेंट टाइप की प्लानिंग होती है। क्या प्लानिंग होती है? एक अलग ब्लूप्रिंट, हर स्टूडेंट का अलग ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आप इस टास्क में, इस टारगेट में कैसे पहुंचोगे, कैसे आप मेरिटोरियस बनोगे, मेरिट का एग्जाम है, मेरिटोरियस बनोगे, आप अपने एकेडमिक करियर में मेरिटोरियस बने थे या नहीं बने थे, जैसे आप 2-3 लोग तो मेरिट में ही रहे हो, जैसे गौरान से मेरिट में रहा है,
तो अब आप आने वाले एग्जाम में मेरिट पर कैसे रहोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह के स्टूडेंट बहुत सारे हैं, वो ऑलरेडी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे किसी भी कंडीशन में, वो कैसे एंट्री होने देंगे? तो ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा पीछे करके कैसे कमजोर स्टूडेंट जा सकता है, उसके लिए हम पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। फिर उस ब्लूप्रिंट पर उस स्टूडेंट को चलना होता है। जब स्टूडेंट उस पर चलता है तो वो कठिन भी है, उसके पास समय का, या तो उसने खूब मजे किए हैं इसीलिए तो वो कमजोर रह गया, और भी कारण हो सकते हैं कमजोर रहने का, उसे अब ज्यादा समय देना पड़ेगा, उनसे बेहतर और ज्यादा समय देना पड़ेगा, बेहतर पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज तो हमें फिर दुख होता है, यार इतने सारे स्टूडेंट क्लास भर रही है, 200 स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स में से पता लग रहा है कि कुछ ही पास हुए, बाकी से सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास फीस आई और वो सेलेक्ट ही नहीं हुए, तो फिर हमें भी दुख होता है। तो उसके लिए फिर हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दूसरा, जैसे आप लोग फाउंडेशन बैच के लोग हो, तो उसमें यह है कि पहले से आप पढ़ रहे हो, पहले से हम आपको वहां तक जंप कराना चाहते हैं, मेरिट में लाना चाहते हैं, और जब आप फाइनल ईयर में हो उसी साल आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए। फाइनल ईयर में ही हो तब तो अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं होते नहीं, इस बार भी बहुत सारे होंगे, पिछले बार करीब 100 से ज्यादा स्टूडेंट से जिन लोगों ने यहाँ से इंटरव्यू दिया, 16 स्टूडेंट उसमें ऐसे भी थे जिनकी इंटरव्यू कॉल तो हो गया लेकिन डिग्री नहीं थी, उनकी डिग्री नहीं थी, डिग्री का सबमिशन ही नहीं हुआ उन 16 स्टूडेंट्स का, तो फेल हो गए, मतलब एब्सेंट दिखाए गए और वो इस साल सेलेक्ट होंगे। तो यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। जी मैंने ऐसी पिक्चर आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि इट इज रियलिटी। मैं नहीं चाहता रियलिटी से, वैसे कई काउंसलर्स आपको कहेंगे नहीं, आप तो बस आ जाइए, बस हर हाल में आपको पास करा देंगे, वो यथार्थवादी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ से थोड़े ही चलेगा, जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है उसकी, मैं कोच हूं आप खिलाड़ी हैं, तो उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, वो ओलंपिक में जा रहा है तो पदक लाएगा कि नहीं लाएगा, ये ओलंपिक ही आप सब लोगों के लिए, उसमें कितनी क्षमता है, और क्षमता भगवान ने सबको बराबर भेजी है। फिर क्या अंतर आता है, फिर सिर्फ अंतर आता है गुणों का। जैसे आप में कुछ स्टूडेंट होंगे, जैसे 4 बजे क्लास शुरू होती है तो वो 4 बजने में 5 मिनट पहले ही आके बैठ जाएंगे, कुछ स्टूडेंट हैं भागते हुए आ रहे हैं रोजाना, और उनकी रोज की आदत है, जब रोज की आदत है तो क्या होगा, वो तो कैसे सेलेक्ट होंगे, लेट होना उनकी आदत है। ऐसी बहुत सारी आदत, बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं जिनकी, इस तरह की बुराइयां हैं, इस तरह की आदतें हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना सुलभ और सरल नहीं है जितना स्टूडेंट सोचते हैं। स्टूडेंट एक ही बात सोचता है, चलो ठीक है, उस कोचिंग में चले जाते हैं, उस कोचिंग में चले जाते हैं। सिर्फ कोचिंग थोड़ी पास करा सकती है, कोई कोचिंग नहीं पास करा सकती, केवल वही खिलाड़ी पास होगा जो खिलाड़ी भी ऐसा है जो चाहता है कि यस मुझे करना है, अन्यथा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बताया। अब बात आ जाती है, थोड़ा सा मैं आपको ये सारा क्लियर कर ही देता हूँ जिससे कि आप अपना ब्लूप्रिंट बना पाएंगे और उसमें हम आपका सहयोग भी करेंगे। अब क्या होता है कि ये प्री मेन इंटरव्यू 3 एग्जाम है, तो मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट को मेंस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन किस तरह के मेंस पर? एक मेंस तो मान लो 2 महीने बाद मेंस एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रिपरेशन,
इस ये जो मेंस है ना, मेंस के साथ कंसेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट्स पर सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए। यदि तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मेन नहीं निकलेगा। शुरुआती दौर पर बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मेंस तैयार कर रहे हैं, और जब आप जिस ईयर एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर आप प्री में 2 से 3 महीने कि जो लास्ट कोर्स चलते हैं ना उन कोर्स पर फोकस कर लो, तो प्री थोड़ा सा एनरिच हो जाएगा, बाकी तो इसी के आधार पर निकल जाएगा। डीप टू डीपेस्ट पढ़ना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब मेंस की तैयारी में क्या अंतर आता है और प्री की तैयारी में क्या अंतर आता है? मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, प्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं, लेकिन प्री में भी टफ टू टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस की तैयारी में क्या और कैसे पढ़ें, प्री की तैयारी में कैसे पढ़ें? प्री की तैयारी पे तो लास्ट में ही सोचना चाहिए कैसे पढ़ना है अलग से। आपके हम जो क्या कराते हैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। हमने जैसे मेंस तैयार कराया और उसी मेंस में से रोजाना की एक डीटीपी होती है, डेली टेस्ट पेपर। डीटीपी क्या है? जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, आज पढ़ाया, अब कल तक का टाइम है आपको अच्छे से उसी को अच्छे से तैयार करना, और जब आज की क्लास ओवर होगी तो कल का डीटीपी जो कल पढ़ा था उसका आज डीटीपी लास्ट में, क्लास के लास्ट में हो जाएगा। उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, तो जिन जो लोग 9 और 10 लाते हैं उनको मैं मान लेता हूँ कि 90% है और वो 100% है, और ये दोनों ही लोग प्री पास हो जाते हैं। प्रीलिम्स में इनको कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन उसी रूप में बने होते हैं। तो एक तरह से महीने में करीब करीब 250 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो एक महीने में मान लो हमने 250 क्वेश्चन किए तो 12 महीने में कितने होंगे? हम 12 महीने की जगह छुट्टियां वट्टियां मान लेते हैं और 10 ही मान लेते हैं, तो 2500 क्वेश्चन। और ये 1.5-2 साल में इतने ही और करीब करीब 5000 क्वेश्चंस इससे बाहर प्री में नहीं आते। इन 5000 में से 70 ही तो लेने हैं, 35 सिविल लॉ के, 35 क्रिमिनल लॉ के, ठीक है, 35 35 लेने, इससे बाहर आते नहीं है। जो लोग हमारे यहाँ से फाउंडेशन कोर्स करते हैं, हमारे यहाँ फिर लॉ भी कर रहे हैं, BLL भी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स में से अभी सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट हैं, वो इतनी होशियार है कि यदि वो इस साल के RJS एग्जाम में बैठी होती तो वो सेलेक्ट हो जाती, पर लेकिन वो तो चूंकि सेकंड ईयर के पेपर दे रही है अभी से इतनी अच्छी तरह लेवल पे आ गई है, अगले साल तक और कितना अच्छा लेवल आएगा उसका यदि वो कंटिन्यू इसी रूप में करती रहे। इस तरह के इनमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं लिखने वाले मेंस में, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात है प्री की, मेंस जो लिखने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो डिपेंड करता है 3-4 चीजों पे। पहली बात तो आपकी जो हैंड राइटिंग है
अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप अच्छे से लिखें, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो अच्छा लिखें और वो रीडेबल हो, दूसरा पढ़े तो वो अच्छे से समझ जाए। हैंडराइटिंग में आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए, आपको लगाना चाहिए कि प्रति मिनट आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि एग्जाम में 180 मिनट का पेपर होता है। इस एग्जामिनेशन में से 180 मिनट में से 10 मिनट तो करीब करीब इन्विजिलेटर, पानी वाला, आपके टॉयलेट जाना, तो 3 बार, मतलब इन्विजिलेटर आया 1-2 मिनट बोलेगा, आप 1 बार 3 घंटे तक बैठे हैं, पानी पिया या टॉयलेट गए, तो 5-4 मिनट वो हो जाएंगे। ऐसे करके मैं इसे 10 मिनट कम कर देता हूँ, तो कितना हो गया, 170 मिनट। 170 मिनट में पेपर पढ़ेंगे आप और पेपर को लिखेंगे भी, तो जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें 40 सेकंड में ही आपको जवाब समझ में आ गया हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको 1-1.5 मिनट का टाइम ले, 2 मिनट का टाइम ले, तो करीब करीब 20 मिनट आपके इसी में चले जाते हैं, 20 से 25, कुछ लोगों के 30 मिनट भी चले जाएंगे। अब आपके पास 150 मिनट बाकी रहे, 150 मिनट में करीब 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 2,500 के आसपास वर्ड्स लिखने हैं आपको। कितना हो गया, कितने शब्द प्रति मिनट हो गए? हाँ, 2,500 करीब करीब, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपकी स्पीड करीब करीब कितनी होगी? हाँ, कितना आ रहा है? तो करीब करीब हम ये मान के चलें कि 20 शब्द प्रति मिनट तो आपको लिखने ही चाहिए। करीब करीब कितने शब्द? 20 शब्द प्रति मिनट, आप थोड़ा सोचेंगे भी करेंगे, 20-25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी आनी चाहिए, ये मिनिमम ही है। ज्यादा हो गए तो 3,000 शब्द लिख रहे हैं तो और भी ज्यादा हो जाएगी, ये मिनिमम है ये। तो आपके 20-25 शब्द प्रति मिनट से कम की स्पीड माने नहीं रखती, यदि कम चल रही है तो घड़ी लगा के आपको स्पीड को मेंटेन करना चाहिए। तो हैंडराइटिंग और स्पीड, दूसरी बात है कि आप जो लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? करेक्ट, शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो। आपके वाक्य विन्यास, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करेक्ट होने चाहिए। बोलने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं तो बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बोलते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं तो, अब ये कोई सही सेंटेंस थोड़ी है, लेकिन ये बोलने में अच्छा लगता है, और बिल्कुल करेक्ट बोलना की कोशिश करें तो माइंड पकड़ लेगा, करेक्ट भी बोल सकेगा, लेकिन माइंड तो करेक्ट बोल लेगा लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, वो टीचिंग में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने एक शब्द बोला, वह टीचिंग में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, लेकिन समझाने के लिए उपयोगी है।
तो आपका जो वाक्य विन्यास है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है, वो कैसा होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, करंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जब आप करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी लिख रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं, फिर तीसरी बात आती है कि मान लो लॉ का पेपर है, तो वो इधर उधर की बात है, नहीं इधर उधर की नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा भूमिका या प्रियम्बल बनाने की जरूरत नहीं, जो पूछा जा रहा है सीधे सीधे वो लिखो। कई लोग पहले भूमिका बनाते हैं, पता लगता है कि भूमिका तो चेक हो जाती है, जो असली करेक्ट आंसर था वो चेक ही नहीं किया, भूमिका पे ही उसके शब्द खत्म हो गए, उसने एडिशनल लिखा, तो भूमिका तक उसने चेक किया, नीचे चेक ही नहीं किया, आपका आंसर नीचे था, ऊपर उसने जीरो दे दिया, तो कोई भूमिका नहीं, टू द पॉइंट सीधे आंसर लिखा जाना चाहिए। जब आप सीधे आंसर लिखते हैं लॉ में, तो एक तो बात आई कि टू द पॉइंट होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, टू द पॉइंट तो लिखा आपने, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या चीज? वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मान लो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। जैसे इस बात को ऐसे ही समझ लो, जैसे कभी आपके यहाँ रिश्तेदार आए, तो मैं एक बार शेखावाटी में गया, तो जब गया तो शाम का खाना उन्होंने क्या किया, जब खाना लाए जिनके यहाँ गए थे, तो खाना लाए तो इकट्ठी 5-7 रोटी एक थाली में ले आए, और सब्जी भी, और जो चीजें चीजें क्या ही थी, लेकिन इकट्ठी रख लाए, सबको रख दिया, जितनी खाओ उतनी खा लेना। एक तो ये था, और कोई चीजें सिस्टमेटिक नहीं थी। एक जगह और गए, उन्होंने सारी थाली को छोटी छोटी कटोरी में सजाया और चीजें सही तरीके से रखी, और केवल वहां 7-8 रोटियां रखी थी इकट्ठी और मोटी मोटी थी, वहां पतली पतली सी 2 चपातियां थी, और बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरा खाना उन्होंने प्रस्तुत किया, वो खाने में भी अच्छा लगा, और उसको जो शेखावटी में खाया इनके यहाँ, खाना में चीजें कई बार उनके ज्यादा थी, लेकिन मन भर गया, उन इतनी रोटियां वो कभी देखी नहीं इस तरह के, 7-8 रोटी रख ली इकट्ठी एक ही थाली में। वही स्टूडेंट की प्रस्तुति है, जिसे बहुत कुछ आता है, घचपच घचपच करके सब कुछ ठूस रहा है, क्वेश्चन के आंसर में नहीं मिलेंगे नंबर, 0 मिलेगा और कटेंगे नंबर। अर्थात एक स्टूडेंट सोचता है, यहां छोड़ा, यहां थोड़ा छोड़ा, यहां से लिखना शुरू किया, यहां लिखना शुरू किया, फिर आंसर लिखा, और यहां तो क्वेश्चंस यहां लिखे होते हैं, इसमें तो आजकल प्रिंटेड कॉपी आती है, जैसे हमारे यहाँ कराते हैं, ऐसे ही जैसे वहां होता है वैसे ही कराते हैं, तो प्रिंटेड पोर्शन आएगा। प्रिंटेड पोर्शन में हम ज्यादा छोड़ते हैं, ज्यादा इसलिए कि किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ी हो सकती है, उसे कम स्पेस ना मिले, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा स्पेस देते हैं। स्पेस इसलिए नहीं, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छा स्पेस इतना है तो मेरा उत्तर इतना तक भरना है, ये उसका गलत तरीका है। स्पेस तो किसी की हैंडराइटिंग बहुत छोटी छोटी होती है, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं, कोई बहुत बड़ा बड़ा लिखता है उसकी समस्या है, कोई स्पेस दे के लिखता है उसकी समस्या है, इसलिए स्पेस ज्यादा दिया जाता है। आपको पूछा गया है, जैसे मैंने पूछूं आपका नाम क्या है,
तो आप गौरांशी लिखोगे, बल्कि आप ये कहने लगे, यहां से शुरू किया, सर मेरा नाम गौरांश है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, मेरी माताजी एक कंप्यूटर की टीचर है, पिताजी मेरे एक बड़े वैद्य हैं, क्या होगा? ये पूछा नहीं है, इट इज नॉट टू द पॉइंट। इतना ही ठीक है, मेरा नाम गौरांश है, इससे ज्यादा गड़बड़ है, इससे ज्यादा नहीं। खैर, इन सब चीजों को हम बताएंगे, इसीलिए आप सब लोग कोचिंग में आए हैं, तो ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे आपको। तो ये आपने ऐसे आंसर्स को लिखा, अच्छा मैं कहूं ऐसा लिख दो ऐसा लिख दो, एक साथ नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है आपकी हैबिट पर कि व्हाट टाइप ऑफ हैबिट यू हैव एंड दिस हैबिट केम फ्रॉम योर स्कूलिंग, केम फ्रॉम योर कॉलेज, वहां से चली आ रही है। कई लोग देखेंगे कॉपी पे कॉपी कॉपी पे कॉपी भरते थे कॉलेजेस में एग्जाम की, सर एक कॉपी, कॉपी बी, कॉपी सी, कॉपी डी, कंटिन्यू कॉपी मांग रहा है, नंबर आते थे उनके फेल वाले, ठीक है? तो उनका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, वो कॉपी ज्यादा भर दी, उससे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई टीचर प्रभावित नहीं हुआ, उत्तर से प्रभावित होना है। तो आपका प्रस्तुति की वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वे ऑफ प्रेजेंटेशन में एक और बात इंपॉर्टेंट है, मान लो एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? अब महत्व लिख रहे हैं, एक स्टूडेंट लिख रहा है कि पूरा प्रीएम्बल उतार दी, ये महत्व आप छांट लो, महत्व हमने तो लिख दिया, महत्व आप छांट लीजिए, क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। आपने प्रीएम्बल लिख दी, प्रीएम्बल थोड़ी लिखाई थी, वो यदि कहता प्रीएम्बल लिखिए तब आपको प्रीएम्बल लिखनी थी। उसने पूछा सिग्निफिकेंट क्या है, महत्व क्या है, तब आपको सिर्फ महत्व ही बताना चाहिए था कि क्यों है सिग्निफिकेंट, क्यों है इंपॉर्टेंट। जैसे कि भारत के जो लोग हैं भारत को कैसा देखना चाहते हैं वो उसका दर्पण है, मतलब कि इट इज मिरर ऑफ ड्रीम ऑफ इंडियन इंडियंस, और उसमें वो सब बातें दे रखी हैं जो भारतीय चाहते हैं, भारतीय भारत को बनाना चाहते हैं, कैसा देश हो, लोगों के लिए क्या हो। और ये तो बात हो गई है, दूसरी जब भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है विधायिका को या सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को कोई इंटरप्रिटेशन करना हो, तो वो प्रीएम्बल में जाने की कोशिश करेगी कि व्हाट आवर प्रीएम्बल इज सेइंग, क्या कह रही है। प्रीएम्बल कह रही है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म पर बेस्ड हो, जो वीकर सेक्शंस हैं उनके सपोर्ट की बात करती है, हमारे कंट्री की डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करती है। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इस आधार पर उन्होंने जेल से रिहा कर दिया कि चुनाव चुनाव में जाइए, क्या था, क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा तो पहली बार हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग कि द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ
इंडिया मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और वो प्रोटेक्ट तब होगा कि किसी पार्टी विशेष का जो राष्ट्रीय नेता है वो अपने लोगों से मिले जुले और उनको कहे कि भाई वोट दो मेरे को, मेरी नीति ये है, उनकी नीति ये है, उनकी नीति ये है, उनकी नीति ये है। तो ये इम्पोर्टेंस है, और कम शब्दों में संक्षिप्त में लिखनी है। बहुत ज़्यादा रामायण लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं बल्कि कटते हैं। यही नहीं, यही सेम स्थिति एपीओ का चाहे एग्जाम हो, चाहे जेएलओ का एग्जाम हो, या कोई अन्य एग्जाम हो, सभी की स्थिति यही है। तो ये आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन आता किससे है? अभ्यास से। अभ्यास से कैसे आएगा? यहां छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर आपसे कराए जाएंगे। जैसे हमने शुरुआत की, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया तो उस सब्जेक्ट पर बहुत सारे नहीं, मान लो कोई दो क्वेश्चन के लिए हमने कहा ये एक क्वेश्चन है जो आज ही हम करा रहे हैं, आज हमने पढ़ाया, आज आपसे करा रहे हैं। आपने जो लिखा मन में आया वो लिख दिया, जो मन में आया हमने पढ़ाया उसके आधार पर आपने लिख दिया। लिखने के बाद हमने चेक किया तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ मैच कितना कर रहा है। पहली बात, जो पूछा है वही है क्या? दूसरी बात, कानून में जो कानून लिखा हुआ है, बेर एक्ट में लिखा हुआ है, उस कानून के कितने नजदीक है? गाइडों में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ, वो नहीं, बेर एक्ट के कितने नजदीक है? कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, ये हम उसे चेक करते हुए बता दिया। जब हम इसको बताते हैं तो ऐसे हर रोज होते हैं, मान लो, तो हर रोज में क्या होगा, स्टूडेंट लिखना सीखेगा। एक बार क्या हुआ, यहां बहुत दिन पहले की बात है, शायद 20 साल पुरानी बात रही होगी, राजस्थान पत्रिका अखबार का के संपादकी में काम करने वाला लड़का आरएस में एक अच्छी रैंक में पास हुआ। अब वो कैसे पास हुआ, उसकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन वो प्रॉपर आरएस में आया। पता है कैसे? वो चूंकि रोजाना घटनाओं को लिखता था तो उसकी लिखने की शैली, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, अच्छे शब्दों का चयन करता था, वाक्य विन्यास अच्छा था, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा था। चूंकि वो रोज अखबार के लिए लिख रहा था, इसकी वजह से उसे अपने एग्जाम को भी उसने अच्छे से लिखा, एग्जाम में उसके शब्दों की प्रस्तुति अच्छी थी और वो एक बार में फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो गया। कारण क्या था? अभ्यास। क्या कारण था? अभ्यास। बिना अभ्यास के ये संभव नहीं है। तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जैसे हम प्री के हजारों क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं धीमे 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 करके, ऐसे ही मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। तो आप देखोगे मेंस के क्वेश्चंस आपके धीमे धीमे धीमे, एक तो इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते थे वो आ गए, दूसरा आपने कंटिन्यू लिखा, अभ्यास से आपकी वर्तनी, आपकी लेखनी, आपकी शुद्धता बढ़ गई। जब फिर एग्जाम में जा रहे होते हो तब आप अपने ही द्वारा बने हुए नोट्स को देखते हो कि अच्छा जी क्वेश्चन, तो उसमें सारे क्वेश्चंस आ चुके होते हैं, उनके सबके आंसर्स आप लिख चुके होते हैं। फिर एग्जाम में लिखते हो तो वो स्वतः है ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन में सर ने ऐसा बोला था, ये गलत है, ऐसा लिख। देखिए ये जो एग्जाम है वो कॉलेज वाला नहीं है। कॉलेज में आप क्या लिख के आ रहे हो, क्या आपकी परसेंटेज आ रही है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट। ये तो गागर में सागर को भरने जैसी स्थिति है, कम में ज्यादा अच्छा, सुगम सरल, इस तरह का। तो ये किससे आएगा? प्रैक्टिस से।
ये तीसरी बात बताई थी मैंने अभी। तो ये प्रैक्टिस पेपर्स जितने ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रैक्टिस पेपर्स के द्वारा एक डिफरेंट टाइप का चेंज कंटिन्यूअस आएगा। एक कॉपी जैसे वीकली मंथली पेपर होते हैं मेंस के, जैसे मंडे टेस्ट होता है, तो मंडे टेस्ट में क्या होता है कि यही सब कुछ कराते हैं, लेकिन जो डेली टेस्ट पेपर होते हैं DTP, प्री की होती है, मेन की होती है, मेंस में एक क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो लिख लिया। अब इतने सारे स्टूडेंट होते हैं उनकी इकट्ठा मेंस की कॉपी, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और उन क्वेश्चंस की कॉपी चेक करने में बहुत दिक्कत आती है, तो बेहतर क्या होता है, ऐसे एक एक क्वेश्चन ले लिया, सबके चेक कर दिए, तो नेक्स्ट डे आए तो बता दिया, देखो जी तुम्हारा ये गलत है, तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। और स्टूडेंट जब करते हैं ना, तो वो धीमे धीमे खुद ही चेंज आता चला जाता है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि मान लो मैं साइकिल चलाना सिखा रहा हूँ आपको, तो मैं कहूँ जी देखो आगे हैंडल है, उस हैंडल में ब्रेक होते हैं, तो और उस ब्रेक को जो कोई सामने आ जाए तो लगा देना चाहिए, पैडल मारने चाहिए, और सब कुछ लिखा दिया आपकी कॉपी में, सीखोगे क्या? नहीं सीखोगे, वो थ्योरी हो गई, जब अभ्यास करोगे तो ही सीखोगे। अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन पेपर्स को करते जाओगे तो सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। मान लो किसी आदमी ने पूरी थ्योरी सीख रखी है कार चलाने की, और उसे कह दिया जाए कि लो चाबी पकड़ो, अब आपको पक्का याद है और कार रेसिंग में चले जाओ, क्या होगा उस आदमी? थोड़ी देर में ही वो धराशायी हो जाएगा। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, सिर्फ रट रटा लेते हैं, पक्का याद कर लेते हैं, रात और दिन एक कर रहे होते हैं, कमरों में पड़े हैं, बट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे डोंट हैव वेरी गुड कोच। उन्हें एक कोच तो रखना ही चाहिए, कोच ही तो बताता है कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंटीमेसी आपकी कोच के साथ होनी चाहिए। उसे पूछो कि सर ऐसे ऐसे है, वो आपको हर चीज के बारे में बताएगा, बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम ही हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर है टाइम मैनेजमेंट। खास तौर से मैं एग्जाम के तौर पर बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आप IPC का पेपर देने जा रहे हैं, और उस पेपर में आ गया कि 299 और 300 का डिफरेंस, समझाइए आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत सारे केस लॉ पढ़े, आप उसे लिखना शुरू किया बहुत अच्छे, अच्छा, वो सारा का सारा टाइम वही कंज्यूम कर गया, पता लगा चार क्वेश्चन रह गए, तो इन चार क्वेश्चन में तो आपका जीरो आएगा, इसमें बढ़ कहाँ जाएंगे, इसकी लिमिट 10 मार्क्स की है, तो आपको 10 में 10 नहीं तो दे सकता है मैक्सिमम, लेकिन आपके और क्वेश्चन रह गए, चार क्वेश्चन रह गए, उनके आंसर्स आप लिख ही नहीं पाए, तो उन्हें कैसे कवर करोगे? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं होता कभी भी, ये मॉक एग्जाम्स में होता है। तो मॉक एग्जाम में आपने बहुत बार करके देख लिया है, जैसे देखते हो ना कई बार ओलंपिक में या कोई इंटरनेशनल लेवल पे फर्राटा दौड़ हो रही है, तो वो पहले ही टाइमिंग निकाल लेते हैं, करीब करीब मैक्सिमम मैं इस स्पीड में दौड़ता हूं और इतने मीटर तक दौड़ लेता हूं, तो उनकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रनिंग पहले से ही क्या होती है, फिक्स होती है।
और लगभग पता होती है उन्हें कि मैं गोल्ड मेडल जीत रहा हूँ या नहीं जीत रहा हूँ, क्योंकि उनका टाइम निकल चुका होता है। सभी कोचेज में लगभग उन्हें पता होती है कि पिछले बार का रिकॉर्ड ये था और ये ऐसी स्थिति है। ये स्थिति आपके पास भी होनी चाहिए कि आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये बात आपके ब्लूप्रिंट में पहले ही आ जानी चाहिए। गोल्ड मेडल कौन लेके आ रहा है लगभग पता होना चाहिए, पता होता ही है, कोई भाग्य की बात नहीं है इसमें। क्योंकि आज जो स्थितियां हैं पहले से ही उन्हें यहां तक पता करने की कोशिश करते हैं, अच्छा फलां देश में कोई आदमी इस स्पीड से दौड़ रहा है, मेरे को इस स्पीड से कहीं ज्यादा होना चाहिए। तो आपके पास शानदार टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी तब आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज योर मेमोरी विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन। कंपटीशन में मेमोरी बहुत मायने रखती है। आपको याद है ना शानदार, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, यदि ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को एग्जाम में बिठा दिया जाए, सब कुछ इसमें फीड है, तो ये फेल होगा क्या? ये सबसे ज्यादा अंक लेके आएगा क्योंकि इसकी मेमोरी में भरा हुआ है। तो आपको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को शुरू से ही बढ़िया रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोजाना कम से कम आधा एक घंटे का एक्सरसाइज, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में ऑक्सीजन ले सकें। फिर आपकी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। देखिए सफल होने में केवल एक कोचिंग का योगदान नहीं, बहुत सारे योगदान है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स एडिशनल भी जरूरत पड़ रही है तो उसमें कोई लेने की दिक्कत नहीं है, वो लेनी चाहिए। दूसरी, एक अच्छी जगह जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, आपका अच्छा कमरा, आपका सब चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, ये सब होना चाहिए। तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट है मनन करना। जैसे जो कुछ भी आपने पढ़ लिया तो आपको अपने माइंड का हर रोज टेस्ट लेना है कि मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है, मेरे माइंड का तरीका क्या है काम करने का। जैसे मैंने पढ़ लिया फिर मैंने किताब बंद कर दी, वो कंटिन्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब बंद कर दी और अब मैं सोच रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, अच्छा मैंने इस सेक्शन में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये है, ये है, ये है। या मैं कहीं रफ पे लिखता जा रहा हूँ, ऐसा आदत पड़ी हुई है कि काइनेथेटिक नेचर के हो आप, तो लिख लिख के रफ पेपर पे आप देख लीजिए, तो काइनेथेटिक नेचर का आदमी लिख लिख के देखेगा। मान लो आपको वैसे ही कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। हर बार किताब से ही पढ़ना, हर बार किताब से ही देखना वो जरूरी नहीं। तो माइंड का एग्जाम लो और पर डे एग्जाम लो, तो माइंड और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ाता ही चला जाएगा। आपको लगेगा यार इतना बढ़ गया, मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो गई, इतनी अच्छी हो गई, क्या बात है। दूसरा, हाईली सिस्टमेटिक होना। हाईली सिस्टमेटिक क्या मतलब? एक छोटी सी भी लाइन लिख रहे हो ना कहीं पर भी, उसे भी सिस्टमेटिक लिखिए। सिस्टमेटिक का मतलब है कि आप अपने घर में जहाँ आपका कमरा है तो चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए व्यवस्थित? देखिए हर चीज़ का एक एनर्जी सेंटर और एनर्जी का ओरा है, हर चीज़ का। एक छोटे से पेन का भी है, यदि आप करके देखिएगा, एक दिन आपका पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा है, कहीं आपका पेंट पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं ये सामान पड़े, और उसी कमरे में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए,
और एक दिन सारे कमरे को व्यवस्थित कीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सब चीज़ें व्यवस्थित। यहाँ मेरे क्रिमिनल के बेयर एक्ट, यहाँ मेरे सिविल के बेयर एक्ट, यहाँ मेरा सिविल के नोट्स, यहाँ मेरे क्रिमिनल के नोट्स, यहाँ मेरी डायरीज, यहाँ मेरी ड्रेस, ये सब बहुत अच्छे से लगी हुई है। उस कमरे में पढ़ के देखिएगा, आपको दोनों का अंतर पता लग जाएगा। जहाँ अनसिस्टमेटिक थे वहां आपकी एनर्जी को सोख लेगा, थोड़ी देर में आप अपने ही कमरे में थक जाएंगे, और जब सिस्टमेटिक कमरे में बैठ के पढ़ेंगे तो पूरे दिन पढ़ने के बाद भी ऊर्जावान फील करेंगे, आपको थकान नहीं होगी। अब आप कहोगे कि इन चीजों से क्या मतलब है? बहुत बहुत बड़ा मतलब है। आप साइंस के स्टूडेंट होते तो मैं इस बात को भी समझा देता कि आप देखो, पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स इतना सिस्टमेटिक है कि पृथ्वी अपने हिसाब से चक्कर लगा रही है, चंद्रमा अपने हिसाब से चक्कर लगा रहा है, ग्रह अपने, प्लैनेट्स अपने हिसाब से, इनमें बाल बराबर भी गड़बड़ हो जाए ना सब कुछ छितर बितर हो जाएगा, हम और आप भी नहीं बचेंगे, पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक की स्थिति ये है, और ये मैंने किया हुआ है, मैंने खूब किया, इनके प्रयोग करके देखे, और मैं खुद ही प्रयोगशाला बन गया, मैंने करके देखा कि कैसे ये क्या असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है, तो सिस्टमेटिक होने चाहिए। नेक्स्ट, फोकस्ड। फोकस्ड का मतलब क्या है? फोकस्ड का मतलब ये है कि आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, आप मन के होने चाहिए। मतलब जैसा आप चाहें वैसा आपका मन आपके अनुसार काम करे, न कि आप मन के अनुसार काम करें। मन के अनुसार आप काम करेंगे तो थोड़ी देर बाद लगेगा, अरे यार क्लास कितनी देर में छूटेगी, चलो यार क्लास छूट जाए तो फिर वहां जाऊंगा, फिर थोड़ी देर में ही फोन निकाल लूं, अरे क्या हाल है यार बता, बस आज कोचिंग से निकला था। फिर मतलब जिन चीजों का कोई संबंध नहीं उनमें एंट्री लेने चलेगा। जब मन आपका है तो आपके नौकर की भांति काम करेगा। उसके लिए छोटी छोटी चीजें अपनानी चाहिए। जैसे आज हमने कपड़े पहन लिए, एक बात तय कर लिया, मेरे को ये वाले कपड़े पहनने हैं। बाद में कांच के सामने गया, मुझे लगा ये तो बहुत भद्दे लग रहे हैं, या किसी ने कहा घर में, अरे यार क्या पहन लिया, तो बेकार लग रहा है। अब कुछ भी कहो दुनिया, मैं यही पहनूंगा। कुछ दिन बाद आपके मन को ये समझ में आने लगेगा कि यार ये तय कर लेता है तो फिर अपने हिसाब से चलता है, इसलिए मुझे इसके अनुसार ही चलना है। करते ना कभी किसी के गए, चाय भी है, जूस भी है, कॉफी भी है, अरे चाय पी लेते, नहीं नहीं यार कॉफी ठीक रहेगी, नहीं यार छोड़ चाय ले लेते, वो जूस ले लेते, वो व्यक्ति अनस्टेबल है, उसका कुछ नहीं होगा। ये अभ्यास आपको करना ही होगा फोकस होने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, 30 मिनट का टाइम आपको प्रतिदिन निकालना होगा, और उस 30 मिनट के टाइम में आप शांत बैठ के और मन को अपने कब्जे में लेने का एक तरीका है कि ये महात्मा बुद्ध की प्रणाली है जिसे विपसना के नाम से जानते हैं, उसको आपने आती जाती श्वासों को देखा, या आती जाती श्वासों को नहीं देखते तो आंखें बंद कर ली, अच्छा अब ये विचार आया, ये विचार आया, किसी भी विचार के साथ संलग्न नहीं हुए, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो ऐसे मेडिटेशन जैसे जैसे करते जाओगे, जितना ज्यादा करते जाओगे, मन आपके बस में उतना ही होता जाएगा। फिर मन आपके पेन के जैसे आपके लिए काम करेगा, न कि आप मन के अनुसार भटकते रहेंगे। जो लोग कहते हैं ना यार मन बहुत भटकता है, कभी ये वो नहीं होगा। जब ऐसे करोगे तो एक अलग ही इंसान होगे, घर में भी लोगों को लगेगा यार डिफरेंट टाइप का हो गया है, आपकी बात में लोग वजन समझेंगे,
आपने मना कर दिया, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, किसी ने कहा एक रोटी तो और चलेगी, बोले नहीं। जब आपकी आदत को ये समझ गए कि नहीं कर दिया तो नहीं, तो फिर वो आपको देने वाले ही समझ जाएंगे कि इसको बार बार इंसिस्ट नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं सेलेक्शन की, क्योंकि सेलेक्शन किसी एक आधार पर नहीं होता। तो पहले ही दिन मेरे को ऐसा लगा कि ये बातें आपको बतानी चाहिए। इस संबंध में आप लोगों को कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हो, कुछ भी जो आपको लगता हो कि इस बात को पूछनी चाहिए सर से। होता क्या है कि स्टूडेंट भी ये समझता है कि जो सर पढ़ाते हैं क्या शायद इसी से सिलेक्शन होता है। ये साथ में जो और बहुत सारी बातें बताएं, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर जिनकी अभी हमने लिखा था कि हिंदी पुअर है या इंग्लिश पुअर है, उन्हें एक काम जरूर करना चाहिए, बेयर एक्ट ही, क्या चीज, बेयर एक्ट ही 2 पेज कॉपी करने चाहिए, सिर्फ कॉपी। हिंदी के हो, आपकी हिंदी कमजोर है तो सिर्फ हिंदी बेयर एक्ट से ही कॉपी कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि ये सेंटेंस किस प्रकार लिखे जा रहे हैं, स्ट्रक्चर, तो डेली आप कॉपी करते जाते हैं तो आपका मस्तिष्क वैसे ही काम करता है जैसे लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल करते हैं। आपने देखा ना, जैसे आप कुछ चीज़ टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते वक्त आपने एस लिखा, एस एच लिखा, उसके पीछे कोई और स्पेलिंग थी तो वो पूरी की पूरी अपने आप आ गई, 2 3 4 चीज़ आ गई। ऐसे ही माइंड काम करता है, जब आप उसे लिखना शुरू करते हैं तो आपको लग जाएगा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये चीज़ पूछी जाएगी, इसके बाद ये आएगा, तो आपकी वर्तनी वैसे ही शुद्ध होती चली जाती है और हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होता चला जाता है। ऐसे ही आप इंग्लिश का कर सकते हो, ऐसे ही आपको इंग्लिश का करना चाहिए, ठीक है। अब ये बात तो हुई, ये अब दूसरी बात में थोड़ा सब्जेक्ट पर आ जाता सब्जेक्ट में। क्या आपको ये पता है कि कितने कितने मार्क्स के क्या क्या रहते हैं? देखो, इसमें मेंस में 100 मार्क्स का सिविल लॉ का पेपर रहता है, 100 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ का पेपर रहता है, 50 मार्क्स का इंग्लिश रहती है, और 50 मार्क्स की हिंदी की रहती है। इनमें दोनों में ऐसेज आते हैं, यही ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे का ही पेपर है। हिंदी का 50 मार्क्स का तीन तीन ऐसे लिखाने आते हैं। तीन छोटे ऐसे इसमें आएंगे, 3 और 3, सिर्फ ऐसे के ही हैं, कोई ग्रामर नहीं आती, कोई समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं आते, वो सिर्फ प्री में आ जाते हैं, मेंस में इसमें से कुछ नहीं आता। तो 100 100 मार्क्स का पेपर आता है। देखो, अब जैसे सिविल लॉ का पेपर है, सिविल लॉ का पेपर है तो सिविल लॉ में जो इनके जो एक्ट्स हैं, तो एक तो जैसे सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, स्पेसिफिक है, तो इसमें से ये मेन मेन सब्जेक्ट हैं,
इतने ही पेपर में करीब करीब 60 मार्क्स का पेपर इसी से आता है। कितने? 60 का सिविल में, और 40 मार्क्स में फिर हमारे माइनर माइनर्स आ जाते हैं, माइनर लॉ, छोटे छोटे जो कानून है हमारे वो आ जाते हैं। 60 मार्क्स का इसी में से आता है। ऐसे ही क्रिमिनल लॉ का है, तो क्रिमिनल लॉ में अभी तो सीआरपीसी है, नया एक्ट आ जाएगा 1 जुलाई से, लेकिन चूंकि 4 जून को पता नहीं सरकार कौन सी आएगी, मोदी जी दोबारा आ गए तो ये 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, राहुल गांधी आ गए तो ये लागू नहीं होंगे। फिर वो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, क्योंकि वो अपने कई भाषणों में बोल चुके हैं कि जिस दिन बहुत सारे सांसदों को निकाल कर ये पास कराए थे बिल, वो सब बिल रिव्यू होंगे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, वैसे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी तो मना कर दिया उन्होंने, 400 पार का नारा बंद कर दिया है, लेकिन सरकार का पता नहीं चलता कि आएगी कि नहीं आएगी, उससे हमारे को कोई असर नहीं पड़ता। तो नए आएंगे फिर हमारे को ये डिपेंड करता है कि ये जो नए कानून हैं इनसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे या पुराने से कराएंगे। अभी आरजेएस हो रहा है तो आरजेएस पुराने एग्जाम पुराने पैटर्न पर ही हो रहा है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ही हो रहा है, एपीओ हो रहा है तो एपीओ भी पुराने से ही हो रहा है। अब चूंकि ये भी संभव है कि नए पुराने का कोई कॉम्बिनेशन बनाए कि इतना परसेंट आप नया पढ़ लो इतना पुराना पढ़ लो, तो इसके बारे में हमें 4 जून के बाद ही पता लगेगा, 4 जून के बाद स्थितियां क्या बनती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जैसे कर रहे हैं सीआरपीसी एविडेंस, एविडेंस यहां भी आता है, एविडेंस यहां भी आता है, सिविल में भी आता है, दोनों में आता है एविडेंस, हाँ दोनों में आता है। एक ये एकमात्र एक्ट है जो दोनों तरफ आता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एविडेंस, आईपीसी, इनसे 50% पेपर आता है, और फिर माइनर, और इसके बाद माइनर एक्ट्स। बहुत सारे, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, इस तरह के छोटे छोटे एक्ट हैं, वो तो सारा सिलेबस है आपका अवेलेबल, तो इनसे इतना आता है पेपर, 50, बल्कि ये भी कह सकते हैं करीब करीब यहां 60 भी, क्योंकि ये एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा काम आएगा, शुरुआती दौर में यही सबसे ज्यादा काम आएगा, यही केसेस उन्हें डील करने को मिलेंगे। अब इनमें भी क्या स्थिति है, जैसे इसमें भी डिवाइड करें 60 मार्क्स, तो करीब 20 से 25 नंबर की सीआरपीसी आती है, एविडेंस 15 से 20 नंबर का आता है, आईपीसी 20 नंबर से 25 नंबर तक आ सकती है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे ही यहाँ सीपीसी 20 से 25 नंबर तक आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 से 15 नंबर का आएगा, कॉन्ट्रैक्ट 10 से 12 नंबर 10 12 नंबर का, टीपी 8 से 7 नंबर का, स्पेसिफिक 8 से 7 नंबर का, इस तरह यहां भी ये स्थिति रहती है।
अब बात आती है कि इनमें मार्क्स कैसे कैसे ला सकते हैं। मान लो आपकी हिंदी कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है, तो आपको तो नंबर लाने ना। यदि आप यहाँ करीब करीब 70% स्कोर कर देते हैं और 70% ही क्रिमिनल लॉ के पेपर में कर देते हैं, तो आपके पास कितने परसेंट, कितने नंबर हो गए? 140। कितने हो गए? 140 मार्क्स पहले ही आ गए आपके पास, जो संभव है, जो संभव है 70% मार्क्स। फिर आपका जो ऐसे वाला पार्ट है, तो ये 50 नंबर का है। मान लो आप इंग्लिश कमजोर है, तो हम मान लेते हैं कि इंग्लिश कमजोर है, तो मान लो इसमें 10 ही आए, कितने? 50 में से 10 नंबर आए जो जिनकी इंग्लिश कमजोर है, तो हमने 10 प्लस और कर दिया। और हिंदी, जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसकी हिंदी ठीक होगी, तो हिंदी में मान लो 20 आ गए, तो 20 और यहां कर दिए, कितने नंबर हो गए? 170 हो गए। 170 होने वाला स्टूडेंट पास, अच्छे स्कोर के साथ। 35 मार्क्स का इंटरव्यू मैंने डाल लगाया नहीं, इस इतने में ही पास हो जाए। 335 नंबर, हाँ 335। मान लो जिसकी हिंदी कमजोर है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उल्टा कर लो, इंग्लिश में मान लो यहाँ 20-25 लेके आ रहा है और हिंदी में यहाँ वो 10 भी ले आया, तो भी करीब करीब तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लॉ में उसके नंबर 70-70 इजीली लाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं जब नहीं आएंगे। अब आप लोग कल से, ये मैंने आज कुछ बातें बताई आपको, ये जनरल बातें थी, जो मान लो आज कोई स्टूडेंट नहीं आया है, तो यदि वो कल भी आता है तो वो वीडियो देख के, इसलिए रिकॉर्ड करा ली, वीडियो देख के वो अपना इसको पूरा कर सकता है। बाकी फिर आप एक नए एक्ट से शुरू कर सकते हैं, जो दोनों में काम आएगा, सिविल में भी आएगा काम और क्रिमिनल में भी आएगा। एविडेंस एक्ट से शुरू कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है क्या? अभी नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है आपने? कोई बात नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ाएंगे, हम ही एक्सपर्ट करेंगे। आप उसको छोड़ दीजिए, आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने में आएगा, यहाँ पढ़ रखा है तो वहाँ पे तो टॉप करोगे आप, ये पक्का है। उनकी अप्रोच और इंस्टीट्यूट की अप्रोच में बहुत अंतर है, तो हम उससे शुरू कर सकते हैं इसको। अब चूंकि मान लो नए एक्ट लागू होते हैं, तो नए एक्ट्स में एविडेंस में उन्होंने सिर्फ नंबर्स में ऊपर नीचे किया है, कोई चेंज नहीं है, बल्कि तीनों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। मैंने तीनों के ड्राफ्ट पढ़े हैं कि ऐसा कर दिया वो बहुत ज़्यादा, लेकिन नंबर्स को ऊपर नीचे कर दिया, जो सेक्शन का नंबर 300 है उसका कोई दूसरी जगह कर दिया है, तो नंबर्स का अंतर है। बाकी चीज़ें एविडेंस एक्ट में तो लगभग वही है। तो एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट, और अभी आप जहाँ से जाते वक्त अपने अपने मीडियम के नोट्स ले जाना एविडेंस एक्ट के, और नोट्स को थोड़ा पढ़ के आइएगा, वो डिग्लॉट फॉर्म में है, जैसे हिंदी में लिखा हुआ वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ, अपने जो लैंग्वेज आपने तय कर रखी हो अपने एग्जाम की, उसको लेके जाइएगा। यहाँ जब हम पढ़ाएंगे उतनी हिंदी बोलेंगे उतनी इंग्लिश बोलेंगे, उसको उस तौर पर हम उसको करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी अभी इंग्लिश की क्लास और है, सर आए हुए हैं इंग्लिश वाले।